आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नेशनल हाईवे सेंधवा कुशलगढ़ पर बड़वानी जिले के सलावद में ढाबा बावड़ी के समीप बीती रात बीच रास्ते में गाड़ी रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। मनावर से सेंधवा जा रहे परिवार को बीती रात ढाबा बावड़ी में दरगाह के पास बीच सड़क पर वाहन रोककर गाड़ी पर पत्थर मारे तथा लूट का प्रयास किया गया। सद्दाम मंसूरी ने बताया कि वे बीती रात अपनी माता तथा भाई के साथ मनावर से सेंधवा जा रहे थे, तभी दो अज्ञात बदमाश आया और ढाबा बावड़ी में दरगाह के पास वाहन रोककर लूटपाट करने की नीयत से वाहन रोकने का प्रयास किया, पर हम रुके नहीं। तभी दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाहन पर पत्थर मारे जिससे साइड ग्लास टूट गया। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। सद्दाम मंसूरी ने आगे बताया कि उनके द्वारा सलावत पुलिस थाने पर इस संबंध में आवेदन देकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सद्दाम मंसूरी। कहाँ से आ रहे थे तुम? मनावर। क्या घटना घटी तुम्हारे साथ आज? ये दरगाह के नीचे है कि नहीं, वहाँ से इन्होंने रोका। कहाँ पर? नीचे लगाई। क्या नाम है दरगाह के नीचे? ये ढाबा बावड़ी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे तुम? सेंधवा जा रहा हूँ। अच्छा, क्या घटना घटी? ये बीच रोड पर गाड़ी रोकी इन्होंने और मारा, पत्थर मारा। अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? ये दो लोग थे। अच्छा, अभी क्या किया तुम लोगों ने फिर? अभी यहाँ रोका, सिलावत में आ गए थे ये। अच्छा, कितने लोग थे ये? दो लोग। अच्छा, तुम कितने लोग थे? तीन लोग। अच्छा, फिर क्या हुआ थाने पे आए तो? अभी यहाँ आवेदन दिया है। अच्छा, FIR वगैरह हो गए? हाँ। तुम कौन कौन थे? मैं, भाई और मम्मी। अच्छा, किसी को चोट लगी है क्या? कोई को चोट नहीं लगी। अच्छा। गाड़ी का ये साइड गिलास ने सब फोड़ दिया। अच्छा।